नहीं यार, मैं अभी प्लान को देख रहा हूँ। 52 फ्लैट्स है इसमें, ठीक है, 4 शॉप्स। नहीं नहीं वो मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, मैं आपके वेट करने का इंतजार करूँ। मेरे पास अदर बायर्स भी हैं। यू हैव 10 मिनट्स, मेक अ डिसीजन। मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ। इफ यू डोंट बाय इट इन 10 मिनट्स, वे डन, द डील इज डन। ओके, अल्लाह हाफिज। बिलाल जाओ ना यार, देखो इनका क्या मसला है। 10 मिनट से ज्यादा इन्हें टाइम नहीं देना, ठीक है, जाओ। हाँ जी अली बेटा, क्या हो गया, क्या मसला है? मैंने कर दिया सेल्स, किस चीज के पैसे दे रहा हूं मैं तुम्हें? क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो तुम मुझे इस कंपनी में? 1 हफ्ता दे रहा हूं, यू हैव 1 वीक, इंप्रूव योर परफॉर्मेंस और यू आर फायर्ड। ओके गो। व्हाट अ नाइस सरप्राइज, व्हाट्स अप? जी यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था, सोचा आपसे मिल लो। वेरी नाइस। डैडी नहीं है ऑफिस में? नहीं यार, डैडी आई थिंक हो गए हैं, बात ग्रुप की मीटिंग पे गए हैं। क्या हुआ, व्हाट्स अप? मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे पता था इस बारे में डैडी या मम्मी से बात करूंगा तो मुझे अंदाजा था उनके जवाब का। यानी ऐसी चाहिए तुम्हें? भाई मैं सच कह रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी खत्म होते साथ ही कोई जॉब करूंगा और आपका एक एक पैसा बता दूंगा एहसान कर समझ के। अच्छा, लेकिन ये चाहिए क्यों तुम्हें पैसे? आई एक्चुअली हरीम की अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने फौरी सर्जरी सजेस्ट की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल्दी सर्जरी नहीं करते तो उनकी जान को बहुत खतरा है। भाई अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद कर देंगे तो अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा। भाई प्लीज, मैं बहुत आस लेके आपके पास आया हूँ, मन मत कीजिएगा। मुझसे रूफी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे उसकी बेबसी बेचारगी का अच्छे तरीके से अंदाजा है। प्लीज भाई, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अति आंटी की सारी सर्जरी का खर्चा मैं ही उठा। देखो फाइज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे डैडी ने ना सख्ती से मना किया कि किसी भी मैटर में तुम्हारी हेल्प नहीं करनी, स्पेशली फाइनेंशियली। लेकिन इट्स ओके, तुम मेरे छोटे भाई हो, आई गो आउट ऑफ माय वे एंड अकोमोडेट यू, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। जी कहिए। कल से तुम यूनिवर्सिटी के बाद ऑफिस आओगे। अब माशाल्लाह से तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली है, तो इतनी सेंस तो तुम में है कि तुम बिजनेस को समझ सको। फॉर द टाइम बीइंग मैं ये ऑडिट के लिए कोई नया बंदा नहीं हायर करना चाह रहा। आई वॉन्ट यू टू रीड द बुक्स, सी देम, मेक अ रिपोर्ट और बना के मेरे पास लाओ। लेकिन भाई मेरी स्टडीज तो मुकम्मल हो गई। अच्छा, क्यों, दुनिया में क्या बाकी लोग दोनों काम एक साथ नहीं करते? अगर वो कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो ना। आपको नहीं लगता कि इससे मेरी स्टडीज अफेक्ट होंगी? अच्छा, तो शादी करने से पहले नहीं सोचा था कि तुम्हारी तालीम किस चीज से अफेक्ट होगी, किससे नहीं होगी? कल से यूनिवर्सिटी के बाद ऑफिस आऊंगा, बेशक मुझे लेट आवर्स के लिए बैठना पड़े। अब बताओ कितने पैसे चाहिए?